नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के संबंध में कि आपका एग्जाम लगातार नज़दीक आता जा रहा है और अंत समय में आप किस प्रकार से रिवीजन करें ताकि आप अधिक से अधिक स्कोर अपने एग्जाम में कर पाएं और एग्जाम तक सकारात्मक बने रहें, आपका मनोबल ना गिरने पाए, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। हालांकि हमारा यह वीडियो अब से जो दो वीडियो डले हुए उनके पहले वाले वीडियो का हिस्सा था, लेकिन किसी कारणवश हम उस वीडियो में इस पार्ट को कवर नहीं कर पाए। उस वीडियो में सिर्फ हमने इस बात पर चर्चा करी कि आप तनाव ले रहे हैं, आपको चिंता हो रही है, लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है, आपको उसे कैसे ओवरकम करना है या उससे कैसे पार पाना है। इस वीडियो में हम रिवीजन पर फोकस करेंगे, लेकिन दोस्तों एक बात आप याद रखें, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको लगता होगा हमारा सिलेक्शन 100% होना है, कुछ को लगता होगा हमारे 50% चांस सिलेक्शन होने के और 50% चांस से फेल होने के, कुछ का रेशियो 40-60 का होगा, किसी को लगता होगा 10% चांस ही सिलेक्शन के हैं, 90% चांस है कि मैं फेल हो जाऊंगा, कुछ तो ऐसे भी होंगे कि अब 1% चांस ही है भगवान भरोसे सिलेक्शन हो जाए और 99% चांस है फेल होने के। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिनको ये तक लगता है कि 1% चांस बचा है सिलेक्शन का, तो दोस्तों चाहे चांस 1% हो या चांस 100% हो, और 1% चांस यदि काम कर गया तो जो आपका सिलेक्शन होगा तो वो तो 100% ही होना है। यदि 1% चांस भी है तो आप यह मान के चले कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है, बशर्ते आप रोग आकर घूमते रहेंगे, डिमोटिवेटेड रहेंगे, तो उस 1% चांस को भी आप खत्म कर देंगे। आपको दहाड़ते हुए एग्जाम देने जाना है और एग्जाम के ऊपर हावी हो जाना है। बस एक बात ध्यान रखनी है, सिली मिस्टेक नहीं करनी, जो पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करना है ताकि पढ़े हुए में से यदि कोई प्रश्न आता है तो वो आप पर गलत ना हो। और ऐसे आसान प्रश्न, कौन से प्रश्न दोस्तों, ऐसे आसान प्रश्न जो सभी विद्यार्थी सही करेंगे उनको गलत करने से बचना है। तो जो आपका 1% चांस सिलेक्शन का है, यह 1% चांस दोस्तों आपका 80% चांस में बदल जाएगा, और फिर यदि किस्मत ने साथ दिया तो फिर 110% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका 100% चांस हो जाएगा सिलेक्शन होने का। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बस परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना है। हमें चर्चा किस बारे में करनी है कि रिवीजन किस प्रकार से करें। बाकी कोई भी डाउट होते हैं, चिंता होती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जिक्र करें उस बात का, आपको इस प्रकार से वीडियो बना के समाधान देने का प्रयास किया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर पहले हम सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने हैं। जनरल नॉलेज पूछा जाना है, जनरल साइंस पूछी जानी है, मैथ्स और रीजनिंग पूछी जानी है। ठीक, मैथ्स रीजनिंग के 55 से 65 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, और जो जनरल नॉलेज है उसके 35 से 45 क्वेश्चन के आसपास, ऐसा लोग कहते हैं और पिछले वर्षों के पेपर से ऐसा देखने को मिला है। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से 40-45 अधिकतम प्रश्न, मैथ रीजनिंग के 55-50-60 इस तरीके से प्रश्न आते हैं। हमें यह चर्चा नहीं करनी कहां से कैसा क्या आना है, हमें बात करनी है रिवीजन किस प्रकार से हमें करना है। ठीक, काफी सारे लोग सोचते हैं कि अंत समय में हम वीडियो देख लें और हमारा काम चल जाएगा, हम वीडियो से रिवीजन करेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखें, यदि आप जितना रिवीजन वीडियो के माध्यम से करेंगे, यदि खुद के नोट्स से या कोई बुक आपने पढ़ी होगी उसको अंडरलाइन किया होगा, तो 1/10 समय में आप उतनी चीज़ें कवर कर लेंगे जितना आप वीडियो में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो से आपने 10 घंटे किसी चीज़ का रिवीजन किया, और आपने किसी बुक से या उस वीडियो के पहले आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे खुद से बना के, और वीडियो के स्थान पर आप नोट्स को या उस हाइलाइटेड या मार्क्ड बुक को प्रेफर करते हैं, तो आप 10 घंटे का काम दोस्तों 1 घंटे में कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी पहले से पड़ी हुई हैं। यदि आपने इस प्रकार से नोट्स बनाए हैं, किसी पुस्तक को पढ़ा है, तो इस समय दोस्तों आप जब आपके एग्ज़ाम को 10 दिन 8 दिन शेष बचे हैं, तो वीडियो से अच्छा है आप नोट्स या फिर जो मार्क्ड या अंडरलाइन की हुई बुक है उसका सहारा लें, क्योंकि अब आपको खुद कॉमन सेंस लगा के सोचना है कि जब भी कोई वीडियो किसी टीचर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो वीडियो रिकॉर्ड करते समय यह बात ध्यान में रहती है कि इस वीडियो को देखने वाला एक फ्रेशर या पहली बार जो तैयारी कर रहा है वह विद्यार्थी भी होगा, और जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है वह विद्यार्थी भी होगा। तो जो वीडियोस रहते हैं
वो बिल्कुल बेसिक स्तर से बनाए जाते हैं। यदि आपने पहले तैयारी करी है तो आपको उतना समय उस वीडियो में देने की आवश्यकता नहीं है, आपको काफ़ी सारा समय बचाना है तो आप वीडियो के स्थान पर अपने हैंड रिटन नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हुए हैं, उनको रिवाइज करें। शॉर्ट नोट्स आपने किन चीज़ों के बनाए होंगे, जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होती होगी। वीडियो 1 घंटे का है, 1 घंटे में आपको 100 फैक्ट बताए गए और 100 में से आपको 60 पहले से याद थे और बहुत बढ़िया तरीके से याद थे। रिवीजन सिर्फ 40 फैक्ट का हुआ और टाइम लगा आपको कितना, 1 घंटा। 2x पर देखेंगे तो 30 मिनट लग जाएंगे दोस्तों आपको, ठीक। लेकिन खुद के नोट्स आपने बनाए होते तो आप इन 60 फैक्ट को सरसरी निगाह से 2 मिनट में देख लेते, और जो 40 फैक्ट है दोस्तों उनको आप 5 मिनट के अंदर कवर कर लेते और उससे भी कम समय में आप उनको रिवाइज कर लेते। हाँ, यहाँ पर ये है, इसका मतलब ये है, इसका ये, इस तरीके से आप करके 5 से 10 मिनट में आधे घंटे का काम कर लेते। तो यदि आपके पास खुद के नोट्स हैं तो वीडियो के बजाय आप उनको प्रेफर करें, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप खुद सोचिए, 10 दिन आपके एग्जाम को बचे हुए हैं, आपने मैथ्स के 150 वीडियो देखे थे, जनरल नॉलेज के इतने ही, इसी प्रकार से सब सब्जेक्ट कुल 400 वीडियो आपने देख डाले, आप कैसे रिवाइज करेंगे। यदि आपके पास नोट्स होंगे तो सारा सिलेबस आप 2 दिन में भी कवर कर पाएंगे, और इन 400 वीडियो को आप किस प्रकार से 2x पर देखेंगे, फिर भी 200 वीडियो, मतलब 200 घंटे। एग्जाम को 10 दिन है, 200 घंटे, 20 घंटे कैसे कवर करोगे। और बहुत सारी चीज़ें वे आएंगी इसमें, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो जो आपको ऑलरेडी पता है 60-70%, तो 30% नॉलेज गेन होगा आपको 200 घंटे खर्च करके। आपको आवश्यकता सिर्फ 30% पढ़ने की, आप कवर कर रहे कितना, 200 घंटा। यह 30% यदि आप खुद से जो आपने नोट्स बनाए उनसे कवर करेंगे तो आपको महज 10-15 घंटे में सारा कुछ कवर हो जाना है, और जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा वीडियो बनाया जाता है उस विद्यार्थी को भी ध्यान में रखकर जिसको कुछ नहीं आता। और यदि आप रिवीजन मोड में आ चुके हैं तो आपने पहले तैयारी की हुई है, हाँ आप उन टॉपिक्स के ज़रूर वीडियो देख सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता। मान लो मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो जल्दी से उस टॉपिक का वीडियो देख के ख़त्म करें। लेकिन जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी है तो वीडियो के माध्यम से रिवाइज करने का कोई औचित्य नहीं बैठता। जहां तक एक प्रकार के और वीडियो मार्केट में चलते हैं, मैराथन वीडियोस, इनसे कई बार फायदा हो जाता है विद्यार्थियों को, कि सारी चीज़ें एक बार आंखों के सामने से गुजर जाती हैं। लेकिन जब 8-10 दिन शेष बचे हों और आपके हैंड रिटन नोट्स हैं तो उनसे बेस्ट कुछ नहीं होता फिर, क्योंकि मैराथन में भी दोस्तों 60-70% ऐसे फैक्ट होंगे जो आपको पता है, 30% आपके काम के होंगे, तो आप उन पर ही फोकस करें जो 30% है, बशर्ते आपने उन 30% फैक्ट को पहले से किसी पुस्तक में टिक करके रखा हो या अलग से आपने नोट्स फॉर्मेट में रखे हों। तो ये तो बात हुई कि आपको किस प्रकार से प्रेफरेंस देनी है, वीडियो को या नोट्स को, ये आपका विवेक है, आपको किस प्रकार से चीज़ें करनी है। अब बात आती है जनरल साइंस और जनरल नॉलेज की। कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट आए कि सर जनरल नॉलेज में काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं, ओवर ऑल स्कोर हमारा बढ़िया हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जनरल नॉलेज आप जितना भी पढ़ें कम है, पहली चीज़। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस ऐसे टॉपिक हैं, इनका दायरा बहुत बड़ा है, कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न ज़्यादा सही होने से ज़्यादा क्या मायने रखता है, यह मायने रखता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। आपने खूब मेहनत करी, मान लो एग्ज़ाम में 45 प्रश्न आए, आप पर 25 ही बने, 20 आप पर नहीं बने, और आपने खूब मेहनत करी थी, तो यहाँ आपका कॉन्फिडेंस काम में आएगा कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, यदि 20 प्रश्न मुझ पर नहीं बन रहे हैं तो वो किसी पर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आप क्या सोचेंगे कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस में भी मैं सबसे आगे हूँ। इस प्रकार की अप्रोच आप टेस्ट को करते समय या फाइनल एग्जाम में रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ का। और फिर जो 20 प्रश्न बचे होंगे आप उनमें लॉजिक लगा के किसी भी प्रकार से यदि आप AA भी मार देते हैं तो 25% संभावना सही होने की होती है, तो 5 तो वैसे ही सही हो गए, और आपने लॉजिक लगाए तो 20 में से 10 प्रश्न आप फिर से यहाँ से भी सही कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से 35 प्रश्न होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जनरल नॉलेज की आपको टेंशन नहीं लेनी, इसका दायरा बहुत विस्तृत है। आपको यह ध्यान में रखना है कि यदि आप पर प्रश्न नहीं आ रहे हैं और आपने खूब मेहनत करी है तो वह प्रश्न किसी पर नहीं बन रहे होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने इतनी बात क्यों करी, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी GK को लेकर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि सर मैंने जनरल नॉलेज के 30 प्रश्न का पेपर टेस्ट लगाया था, उसमें से मेरे 15 ही सही हुए। आप ये नहीं देखोगे बाकी के 14 ही सही हुए हैं, आप अपने 15 देख के और 15 गलत प्रश्नों को देख के अपने जीवन में तबाही ला देते हो, और फिर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे टेस्ट में गिर जाती है, ठीक। फोकस करना, रिवीजन कैसे करना है, ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप तनाव ना लें इन चीज़ों का, क्योंकि अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है, जिनने खूब पढ़ाई करी है, यदि उन पर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो दोस्तों बाकी लोग कैसे उस चीज़ को सही कर देंगे, जो बाकी विद्यार्थी हैं
उनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और मैं हर विद्यार्थी को ध्यान में रखकर यह बात कर रहा हूँ, ठीक। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस। अब फिर बारी आती है मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स रीजनिंग, रीजनिंग तो दोस्तों सब विद्यार्थी क्या बोलते हैं, बहुत ईजी होती है, सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें आपको कन्फ्यूजन होगा। क्लॉक के कुछ फॉर्मूलेस मैं तो डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, फॉर्मूले यूज़ नहीं करता। कैलेंडर की कोडिंग होती है, डाइस के कुछ पैटर्न होते हैं कि राइट हैंड साइड इस प्रकार से घुमाना है, उस प्रकार से घुमाना है। तो जो चीज़ें भूलने वाली रीजनिंग में है, जो चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं, उन चीज़ों का आप बार बार रिवीजन करो, बाकी चीज़ों को स्किप कर दें यदि 8-10 दिन आपके एग्जाम को बचे हैं, क्योंकि वो तो आप वैसे भी कर लेंगे। इसी प्रकार से मैथ्स रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप कभी भी कर लेंगे, आज तक क्वेश्चन गलत ही नहीं हुआ। तो आपको किन टॉपिक पर फोकस करना है इस समय मैथ में, इसमें भी रिवीजन दोस्तों, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें फॉर्मूला लगते होंगे, बिना फॉर्मूले के आपका काम चलता नहीं होगा। वे विद्यार्थी पर निर्भर करता है, कई बार विद्यार्थी को चीज़ें समझ नहीं आती, फिर फॉर्मूला का सहारा लेता है वो। तो जिस प्रकार से भी आपको लगता है, यदि आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको लगता है कि यदि आपको फॉर्मूले पता हैं तो आप बढ़िया तरीके से चीज़ें डील कर लेंगे, तो आप उन फॉर्मूले के रिवीजन पर प्रैक्टिस करें, फोकस करें। प्रैक्टिस ना करें, रिवीजन पर फोकस करें, क्योंकि प्रैक्टिस अब आप बहुत कर चुके हैं, रिवीजन आवश्यक है। यदि प्रैक्टिस अब कर भी ली और फॉर्मूला एग्जाम में भूल गए तो समस्या है कि नहीं, तो फॉर्मूला अब याद होना ज़्यादा आवश्यक है। कुछ टॉपिक होंगे जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्षेत्रमिति के जितने टॉपिक हैं, एडवांस मैथ में काफ़ी सारी चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड होती हैं और अलग अलग रूल्स होते हैं उनके, तो आपको उनको ध्यान रखना है। यदि वहाँ से 5-7-10 क्वेश्चन आए तो वे आपसे गलत ना हो। और बाकी जो चीज़ें हैं मैथ्स में स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि यदि 55-60 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं 100 में से और 2 घंटे का समय है, तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी। तो आप स्क्वायर, क्यूब, इन सबको भी याद करें। आप टेबल को कम से कम 30-40 तक ऐसा याद कर लें, कोई आपसे पूछे 17-17 कितने होते हैं तो आपके मुंह से सीधा निकले, ठीक है। इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। इसी प्रकार से दोस्तों हर एक सेगमेंट में आपको फिक्स करना है। जनरल नॉलेज का तो कुछ नहीं होता दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ कम महत्वपूर्ण। जो प्रश्न आ गया वो महत्वपूर्ण है, और ESB का पैटर्न हमने देखा है, कहीं से भी प्रश्न पूछता है तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है समझ नहीं आता। आपने जितनी भी चीज़ें आज तक पढ़ी हैं और लगता है कि आप वो भूल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप रिवीजन करें या उन पर रिवीजन करने का फोकस करें। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि वीडियो के माध्यम से यदि आप सारा रिवीजन करने का सोच रहे हैं तो अंत के 8-10 दिनों में, 15 दिनों में ये पॉसिबल नहीं होगा। और वीडियो के माध्यम से आप कितना कवर करेंगे, 30% ही, और उस 30% को यदि आप खुद से करते हैं तो आप कितनी बार कर लेंगे, 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे पढ़ी हुई चीज़ें आपकी गलत नहीं होंगी, सिली मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी, आसान चीज़ें आपसे गलत नहीं होंगी। इतना करने के बाद, या आपने सिर्फ इतना कर लिया, तो इससे ही दोस्तों आप 40-50% विद्यार्थियों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी सिर्फ सिली मिस्टेक के कारण बाहर होते हैं, कम रिवीजन के कारण जो चीज़ें उन्होंने पढ़ रखी हैं उनको ही गलत कर देते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं एग्जाम से बाहर होने के, जब आपको चीज़ें आ रही होती हैं। तो उम्मीद है आपको सारा पैटर्न समझ में आया होगा, और मुझे लगता है कि कुछ और चीज़ें आपके लिए इसमें ऐड करने लायक है, तो मैं अलग से वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों मैं वीडियो आपके कमेंट के आधार पर बनाता हूं, तो यदि आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं पूरा प्रयास करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। 2-3 विद्यार्थी भी कमेंट कर देते हैं तो मैं उनके लिए ही वीडियो बना देता हूं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, लगातार मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।